पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं आयदा वहीद। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब से अमरीका रवाना। 27 सितंबर को अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। पाक तुर्क कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी, पाक मलेशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ट्रंप समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें भी होंगी। गैर कानूनी असासों के केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह इस्लामाबाद से सखर मुंतकिल। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा पीपी रहनुमा को। सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट के अकबी रास्ते से निकालकर नैब ऑफिस लाया गया। अहले खानों को भी मिलने ना दिया गया। शायकीन को पाक श्रीलंका सीरीज का शिद्दत से इंतजार। कौमी टीम का ऐलान आज होगा। 27 सितंबर को पहला वनडे कराची में खेला जाएगा। पीसीबी के मुकर्रर करदा कुरियर सेंटर पर टिकट आज से दस्तयाब होंगी। श्रीलंकन टीम 25 सितंबर को कराची पहुंचेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार और आईजी पंजाब आरिफ नवाज के खसूसी अहकामात पर डीपीओ भाकर फैसल गुलजार ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौका पर डीपीओ भाकर ने हर दरख्वास्त गुजार के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के अहकामात जारी किए। डीसी चनियोट और डीपीओ चनियोट सैयद हुसैन हैदर का फास्ट यूनिवर्सिटी का विजिट। दौरान विजिट सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया और सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मीटिंग भी की गई। मकबूजा कश्मीर में खवातीन और बच्चों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ सेमिनार मुनक्कित किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया DDHO कॉलेज स्कूल और हस्पताल की खवातीन और तालिबा ने सेमिनार में भरपूर शिरकत की। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज।